अरे लालू जी यूं ही बैठा ले रहोगे क्या, घर वापस जाए हम? अरे तुम्हारी वजह से भरी दोपहरी में हम दोपहर की नींद छोड़कर आते हैं और तुम चुपचाप बैठी हो। तो क्या करूं मोदी जी, नाचू क्या मैं? अगर तुम भरी दोपहरी में यहाँ पर आकर बैठते हो पेड़ के नीचे, तो इसमें मेरी क्या गलती है बताओ? मेरे लिए बैठते हो क्या? और लालू जी किसके लिए बैठती है हम? तुम्हारे लिए तो आगे बैठती है। तुम्हारे साथ यहाँ बैठ के चार बातें हो जाती है और इस पेड़ की ठंडी हवा मिल जाती है। अब इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है, घर पर नींद तो आ नहीं पाती दोपहर में, और आप तो यूं ही अनजान बन रहे हो। अरे आपकी कहानी के लिए भी तो हम यहाँ पर आते हैं, कहानी सुनाओ। अरे लालू जी इतनी देर से बैठे बैठे हुक्का गुड़गुड़ा रहे हो, कम से कम एक कहानी सुनाई दो। मोदी जी सही तो कह रहे है, सबको कहानी का ही लालच। चलो सुनाता हूँ एक कहानी, ध्यान से सुनना। एक बार अपने गांव में ऐसी गर्मी पड़ी जैसी इस साल गर्मी पड़ रही है। तालाब नदी नाले सब सूख गए, चारों तरफ बर्फी बर्फ गिरती थी, बस जहाँ देखो गांव में बर्फ नजर आ रही थी, इतनी भयंकर गर्मी पड़ी। अरे लालू जी कहानी को कहाँ ले गए, कहाँ बर्फ कहाँ गर्मी, गर्मी की कहानी सुना रहे हो, गर्मी में बर्फ कहाँ से गिरने लगी? अगले मैं साफ साफ अभी बता देता हूँ, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, कहानी सुनाते वक्त भी मेरा दिमाग सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, इसीलिए शब्द थोड़े से इधर उधर हो सकते हैं। अरे लालू जी थोड़े बहुत शब्द इधर उधर हो सकते हैं, चलो मान लेंगे। आपने तो मौसम ही बदल दिया, गर्मी की कहानी सुना रहे थे, गर्मी में आपने बर्फ गिरा दी। चलो दूसरी कहानी सुना देता हूँ, ये वाली कहानी छोड़ो। एक बार की बात है, अपने गाँव में बहुत बिकट ठंड पड़ी, कड़ाके की ठंड, सारे नदी नाले तालाब सब बर्फ से जम गए, जो भी घर से बाहर आता लू का एक तबाचा खाता, प्यास से आदमियों के गले घोसक होने लगे। अरे लालू जी फिर से कहानी को आप दूसरी दिशा में ले गए, कहा गांव में सर्दी बर्फ पड़ी थी और इस बर्फ में लोगों को लू के तमाचे कैसे लगने लगे, प्यास से गले घुसक कैसे होने लगे? अरे आप गर्मी में ले गए कहानी को। तो क्या हुआ योगी जी, गर्मी में ले गया, मौसम देख रहे हो, गर्मी का मौसम तो ही चल रहा है। छोड़ो कहानी को, आज कहानी सुनाने का मन ही नहीं है मेरा। और भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।